मैंने तुम्हें कहा था ना, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो भी करूं, जो तुम कर रही हो वो गलत है सुंबुल। अपने लिए सही या गलत मैं अच्छी तरीके से जानती भी हूं और समझती भी हूं। मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो। अहमद भाई ने ऐसे अचानक पूछा कि मैं तो परेशान ही हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उनको सब कुछ पता चल गया हो। वो जानते हो कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा क्या जोगी, तुमने नहीं बताया, मेरे लिए मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। ये फन नहीं है ना ये सब बातों का। तुम्हारी वजह से तो चुप हो जाती हूँ, वरना यकीन करो मेरे दिल से अब हर डर और हर खौफ निकल चुका है। जानता हूँ मैं, मेरी मोहब्बत ने तुम्हें निडर बना दिया ना। बस थोड़ा इंतजार कर लो सुबी, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगा। कर लेना मोहब्बत के खिलाफ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेफिक्र रहो और अब तुम रिलैक्स करो, हम कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। मैंने आपको कहा था ना कि श्रीलंका में मेरी वर्कशॉप है। कब जाना है? वो नेक्स्ट वीक है। ओके। और मैंने जाने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। दे दूंगी क्रेडिट कार्ड, कल शादी के साथ जाके शॉपिंग कर लेना। मॉम मेरा प्लान तो मेरे दोस्तों के साथ का है। ओके देन गो विद योर फ्रेंड्स। उमेर तुमने कल मेरे साथ ऑफिस जाना है क्योंकि मैंने मैनेजमेंट की मीटिंग कॉल की हुई है। जी। सिंबल तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है ना ये? जी थैंक गॉड। और जैसे ही ये सेमेस्टर खत्म हो जाएगा ना मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगी। गुड। मम्मी आपको नहीं लगता कि सिंबल की जब स्टडीज खत्म हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए? एक्सक्यूज मी, दिस इज माय लाइफ, आई एम गोइंग टू डिसाइड व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद इट। सुंबुल बिहेव। मॉम आई थिंक सुंबुल इज राइट, ये हमारा फैमिली मैटर है और किसी और को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सादिया हमारी फैमिली का हिस्सा है, इज दैट क्लियर? I'm not hungry anymore. Excuse me. I'm so sorry, mummy. It's okay. Khana khao. आइए अम्मी। क्या कर रहे हो बेटा? अम्मी काफी दिनों से ऑफिस नहीं गया ना, सोचा था बस दोबारा से ज्वाइन कर लूं कल से। अच्छा आपकी सोच में पड़ गई अम्मी। नहीं
कुछ नहीं, वो बेटा मेरा तो इरादा था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी खाला के पास एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद चलेंगे। नहीं अम्मी, अभी मुमकिन नहीं है, ऑफिस के काम काफी डिले हो गए हैं, पहले उन्हें मैनेज कर लो ना, फिर चलेंगे। ठीक है। जानता हूँ मेरी वजह से बहुत परेशान हैं आप, मेरी फिक्र मत करें, ऑफिस जाऊंगा ना मसरूफ हो जाऊंगा, और इन सोचों से भी निजात मिल जाएगी मुझे। हमें अब माजी को भुला के आगे कदम बढ़ाना, बस मेरी खातिर खुद को भी खुश रखा करें आप। मेरा बेटा खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगी। अब क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? प्लानर तो तुम हो। कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलती हो तुम? कल मेरे सामने हाथ जोड़ के माफिया मांग रही थी और आज गुस्सा कर रही हो। तुम्हारी भी समझ नहीं आती। तुम्हें मुझे समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझने की जरूरत है। सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। क्या क्या कर रहा हूं मैं? तुम्हारा मेरी बहन के साथ ताल्लुक रखना नाजायज है। अच्छा, और तुम्हारा है मेरे से मिलना, वो जायज था? हाँ था। अच्छा, मतलब मैं करूं तो नाजायज, तुम करो तो जायज। मेरा उनके साथ? उनके साथ? क्या कहा तुमने, उनके साथ? वाह, निकाह मुझसे पढ़वा चुकी हो लेकिन अब भी दिल में मोहब्बत उनकी है। गुड। चाहते क्या हो तुम? अब अगर तुम ये सुनना चाहती हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं, नहीं, सॉरी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे चाहो, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। बहुत मोहब्बत है लगता है अपनी बहन से। हाँ है। कमाल है ऐसे, उस बहन ने सबके सामने झूठ बोला, तुम्हें बद किरदार साबित किया, मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक साबित करके तुम्हारी तलाक करा दी। अभी तक उसकी इतनी मोहब्बत है तुम्हारे दिल में। उमेर, उसने जो कुछ किया वो जानबूझ के नहीं किया, वो डर गई थी, बीमार थी। प्लीज प्लीज सब कुछ भूल जा, शायद यही था हमारे नसीबों में। तुम मानती हो ना नसीबों को? मानो। मैं नहीं मानता। ठीक है तो खत्म करो ये सब कुछ, चलो मेरे साथ अभी और अपनी माँ के सामने सारे फैसले करो। छोड़ो मुझे। अब अगर मॉम का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना, तो तुम देखना, फिर मैं ब्लैकमेल करूंगा सोफी को। जब मैं छोटा था तो आप इसी तरह रात को मेरे कमरे में दूध लेकर आती थी और क्या कहती थी कि खड़े रहूंगी सर पे जब तक पीके खत्म नहीं करोगे। हंसती रहा करें, हंसते में बहुत अच्छी लगती हैं आप। माँ की खुशी बच्चों की खुशियों से जुड़ी हुई होती है। मैं खुश हूँ,
तुम्हारे दुख और तुम्हारी खुशियां मैं महसूस कर सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम खुश नहीं हो। तुमने अभी भी सादिया को दिल से कबूल नहीं किया। कोशिश करूंगा मॉम कि मैं उसे दिल से नहीं हूं, मैं मेरे कहने से नहीं, जबरदस्ती नहीं। मेरी खुशी की खातिर उसे कबूल करोगे तो तुम दोनों के दरमियान के फासले कभी खत्म नहीं होंगे। मैं जानती हूं बेटा, मैं समझती हूं ये तुम दोनों के लिए आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। आप ये दूध तो पीजिए। जीते रहो। गुड नाइट। अब अगर मॉम का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना, तो तुम देखना फिर मैं ब्लैकमेल करूंगा सोफी को। सादिया तुम्हें क्या लगता है हमारा कल भी आज की तरह खूबसूरत होगा? शमा आप गेसेस दे दें, लेकिन सारे ब्रांड्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए और एक दफा मुझसे अप्रूवल ले लीजिएगा, ठीक है? केटरिंग को आप देख रही हैं? आबिद साहब प्रोडक्शन स्लो हुई हुई है, ये डिनर के चक्कर में प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए। मैं आपको स्केचेस भेज रही हूँ, उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? उमेर आप प्लीज शमा को लिस्ट दे दीजिए पर्सनल गेस्ट की। जी मॉम मैं कल तक कर दूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? हर काम कल पे नहीं छोड़ा करो मेरे, प्लीज। ओके ओके मैं कर दूंगा आपको आज। क्यों आई हो तुम यहाँ? बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुबी सुबी प्लीज मेरी बात तो सुनो। बोलो। उमेर ने मेरे सामने कहा है कि वो तुम्हारे मामले में सीरियस नहीं है। बहुत कुछ बिगड़ चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो दुश्मनी में नहीं किया, बल्कि सिर्फ मजबूरी थी तुम्हारी। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ गलत हो रहा है। तुमसे दुश्मनी ले रहा है। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो प्लीज। ये रहम की भी तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए मांग रही हो। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसका बदला ले रही हो ना मुझसे, याद रखना बच्चों, उमेर को मैं तुमसे छीन लूंगी मैं तुमसे। मुझे अंदाजा था कि वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। मैं कौन सा उसकी बात पे कोई यकीन करें। गुड, I know you trust me.
तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? मेरा उससे बस इतना ही ताल्लुक है कि मेरे घर में एक फालतू चीज की तरह पड़ी रहती हो। गेस्ट रूम में सोती है। उमेर बस मुझे कभी धोखा मत दे। किसी